Hello everyone and welcome back to my channel again. So today the topic we are going to discuss is identity. Identity क्या है, ये language से किस तरह से relate करती है, एक individual की identity क्या explain करती है. We are going to discuss all these things in this video. So start करते हैं कि what is identity. Identity हमारे selfhood के वो aspects होते हैं जो कि stable हैं, जो कि fixed हैं. अब क्या चीज़ें हमारी फिक्स्ड हैं, डैट इज़ आर ओरिजिन. हमारी बेसिक चीज़ें, हमारी ओरिजिनैलिटी जो है, डैट इज़ आइडेंटिटी. हमारे स्टेबल और फिक्स्ड एस्पेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमारी एथनिसिटी के बेसिकली हमारा ओरिजिन है क्या. वी आर फ्रॉम चाइनीज़ कल्चर, वी आर फ्रॉम जर्मन एथनिसिटी, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी का पार्ट है. हमारी नेशनैलिटी, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ पाकिस्तानी, सो दिस थिंग इज़ इंक्लूडेड इन माई आइडेंटिटी. What is my social class? Social class is basically, everybody knows that social class is you are middle class, poor, rich, everything that is included in your social life is your social class, your gender and your age. So simple words mein, identity is something that is stable or fixed, that makes you an individual different from others, that is identity. Identity is an accomplishment. अकॉम्प्लिशमेंट क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी डिटर्मिन करती है कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी स्टेबल है, कितनी डेवलप्ड है. दिस इज़ फ्रेगमेंट्री. फ्रेगमेंट्री का मतलब है समथिंग डैट इज़ अनस्टेबल. अब मैं पहले उसको स्टेबल कहा, अब मैं उसको अनस्टेबल कह रही हूँ. क्यों? आइडेंटिटी इज़ फ्रेगमेंट्री एंड इनफ्लक्स. इनफ्लक्स का मतलब है कि ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. मैंने यहाँ पर फ्रेगमेंट्री और इनफ्लक्स का वर्ड इसीलिए यूज़ किया बिकॉज आइडेंटिटी इज समथिंग डैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, डैट इज चेंजिंग. जैसे जैसे हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं, हमारे इंटरेक्शंस चेंज होते हैं, हमारे कॉन्टेक्स्ट चेंज होते हैं, उसी हिसाब से हमारी आइडेंटिटी में भी चेंज आता है. पीपल चेंज आइडेंटिटीज टू सूट द नीड्स ऑफ द मोमेंट. एक सोसाइटी में खुद की जगह बनाने के लिए, कंपीट करने के लिए, पीपल हैव टू अडेप्ट सम थिंग्स टू चेंज देयर आइडेंटिटीज to suit the needs of the moment. Identities के अब आगे से दो ways हैं कि हम किस तरह से identities को देखते हैं. एक तो ये कि identity is stable. हमारे जो stable features हैं एक person के किसी भी situation से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि उसमें उसकी ethnicity आती है, उसकी nationality आती है, जो चीज़ें fixed हैं. और एक तरफ कहते हैं कि identities जो है वो dynamic है, ये change होती है. तो इसके क्या ideas हैं, हम इसको आगे चल के देखते हैं. अमेरिकन सेंस में आइडेंटिटी इज़ समथिंग कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो आपको बाकी इंडिविजुअल से डिस्टिंक्ट बनाती है, यूनिक बनाती है. तो वो करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिटी हैं. अब मैंने जैसा कि बताया कि दो तरीके हैं. सबसे पहली जो अप्रोच है, हम उसको कहते हैं प्राइमॉर्डियलिज्म. प्राइमॉर्डियलिस्ट वो लोग होते हैं, एक ऐसा आइडिया है ये, जो हम कहते हैं कि जो जितनी भी नेशंस हैं, जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं हमारी, यानी कि एथनिक आइडेंटिटीज़, जैसा कि मैंने बताया कि हम, अगर मेरा पिछला कल्चर ग्रीक कल्चर है या चाइनीज़ कल्चर है या रोमन कल्चर है, तो वो मेरी एथनिसिटी है जो कि फिक्स्ड है. तो प्राइमॉर्डियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कहती है कि हमारी आइडेंटिटीज़ फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होती, ये नेचुरल है, ये एंशियंट है. और ये कहते हैं कि एथनिसिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर हम किसी सोसाइटी में जाएँ तो वो चेंज हो जाए. फर्स्ट इसका अप्रोच है प्राइमॉर्डियलिज्म, जो कहती है कि आइडेंटिटी इज समथिंग डैट इज स्टेबल और फिक्स्ड. नेक्स्ट हमारी अप्रोच है सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट की. सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म एक्चुअली एक ऐसी थ्योरी है, ये सोशियोलॉजी और कम्युनिकेशन थ्योरी, इन दोनों को ही मिलाकर एक थ्योरी बनी थी, जिसमें ये कहते हैं इसके जो रिसर्चर्स हैं कि आइडेंटिटी इज नॉट स्टेबल, आइडेंटिटी इज फ्रेगमेंट्री. व्हाई इट इज़ अनस्टेबल? क्योंकि हम जैसे जैसे एक इंडिविजुअल सोसाइटी में इंटरेक्ट करता है, वो उसी हवाले से उन्हीं सोशल कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में वो ऐसे मिल जाता है कि वो साथ साथ अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है. तो देर आर टू थ्योरीज, एक हमारे पास रही प्राइमॉर्डियलिज्म, जिसको हम एसेंशियलिज्म भी कहते हैं, और एक हमारे पास है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म, जो दोनों आपस में ऑपोजिट है. एसेंशियलिज्म हमें ये कहता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो न्यूट्रल है, वो फिक्स्ड है, वो स्टेबल है, जबकि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ये कहता है कि इंडिविजुअल में सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, सोसाइटी में रहकर उनकी जो एक नेचुरली बिल्डिंग होती है पर्सनैलिटी की, डेवलपिंग होती है, वो सारी चीज़ें सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म में आती हैं.
फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन सी डेट आइडेंटिटी इज फिक्स्ड, इट इज स्टेबल, बट फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू आइडेंटिटी इज इवॉल्विंग, इट इज चेंजिंग. रिव्यू हम करते हैं कि आइडेंटिटी है क्या. दिस इज अ वॉलेटाइल. वॉलेटाइल मीन्स जो चीज रैपिडली चेंज हो. फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मीन कि इट हैज समथिंग, कोई फ्लेक्सिबिलिटी है अंदर कि वो चेंज हो सकती है. एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग, यानी आइडेंटिटी इज समथिंग दैट इज लिविंग. कोई ऐसी चीज है जो कि चेंज भी हो रही है, इवॉल्व भी हो रही है. एवरी इंडिविजुअल हैड डिफरेंट आइडेंटिटी. इसकी जो आगे यू कैन से आइडेंटिटी के बहुत से मार्कर्स हैं. लाइक देयर आर मार्कर्स विच आर लैंग्वेज, ड्रेस, बिहेवियर एंड चॉइस ऑफ स्पेस. इसका ये मतलब है कि हर आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंसान की आइडेंटिटी को देख रही हूँ कि इसकी क्या आइडेंटिटी है, देन मैं उसके मार्कर्स देखूंगी. मार्कर्स आर द थिंग्स डेट शोज समथिंग. उसकी क्या लैंग्वेज है, उसकी लैंग्वेज शो करेगी कि उसकी आइडेंटिटी क्या है. यानी कि मैं एक पख्तून कल्चर के बोलने वाले पठान को फ़ौरन पहचान लूंगी कि ये पठान है. अगर एक सराइकी बोलने वाला एक्सेंट है तो मैं पहचान लूंगी कि ये सराइकी कल्चर से बिलोंग करता है, तो वो उसकी आइडेंटिटी में शामिल है. ड्रेस कोड्स होते हैं, हर एरिया का अलग होता है. टर्की का ड्रेस कोड अलग है, इंडिया का ड्रेस कोड अलग है, पाकिस्तान का ड्रेस कोड अलग है. बिहेवियर्स, बिहेवियर्स अलग हैं. चॉइस ऑफ स्पेस अलग है. चॉइस ऑफ स्पेस मीन्स कि आप किसी इंसान को कितनी मीन्स कितनी स्पेस देते हो टू कम टूवर्ड्स यू. लाइक पाकिस्तान में ये कल्चर है कि हम हाथ मिलाकर या गले मिलकर ग्रीट करते हैं. इन टर्की देयर इज़ अ कस्टम डेट एल्डर्स के हाथ चूमकर उनको सलाम किया जाता है. सो दीज आर द थिंग्स डैट आर चेंजिंग फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी एंड एरिया टू एरिया. अब मार्कर्स के लिहाज से दो तरीकों में डिवाइड किया गया है लोगों को, एक मार्कर वेयरर और एक मार्कर परसीवर. सिर्फ मार्कर्स ही हैं जो कि एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की, कि मार्कर वेयरर क्या है, मार्कर परसीवर क्या है. अगर एक मेरे सामने एक बंदा खड़ा है और वो सराइकी बोल रहा है, तो मेरे लिए वो मार्कर वेयरर है क्योंकि वो सराइकी बोल रहा है और मैं उसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए मार्कर, मैं मार्कर परसीवर हूँ क्योंकि मैं उसकी जो लैंग्वेज है उसको परसीव कर रही हूँ. और यही चीज़ है जो कि कल्चरल डिफरेंसेस बनाते हैं, आइडेंटिटी डिफरेंसेस बनाते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि अगले बंदे की क्या आइडेंटिटी है. सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिस इंटरप्रिटेशंस. कभी कभी क्या होता है कि हम मार्कर्स को लेकर या सोशल कॉन्टेक्स्ट में किसी ना किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं. लैंग्वेज में तो इस चीज़ की बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि हर एरिया के अपने अपने डायलैक्ट्स होते हैं, कि किसी लैंग्वेज में किसी वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, किसी लैंग्वेज में उसी वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. बट देयर आर मेनी मोर थिंग्स जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं. देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ इट, बट द मेन थिंग इज आइडेंटिटी, कि आपकी आइडेंटिटी किस एरिया में क्या है. देयर आर सम मार्कर्स विच आर लैंग्वेज, योर ड्रेस, योर एथनीसिटी, योर रिलीजन, एवरीथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग योर आइडेंटिटी. अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज की. बेसिकली आइडेंटिटीज की फोर टाइप्स हैं: मास्टर, इंटरेक्शनल, पर्सनल और रिलेशनल. स्टार्ट विद द मास्टर आइडेंटिटीज. मास्टर आइडेंटिटीज आर द बेसिक्स वंस. हम कहते हैं कि जो बहुत ही बुनियादी और प्राइमरी किस्म की जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, डैट आर मास्टर. हम क्यों इनको प्राइमरी कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ओरिजिन से रिलेट करती हैं. हमारी कहाँ से बेसिक्स हैं, हमारे ओरिजिन कहाँ से हैं, फ्रॉम वेयर वी बिलोंग, हम हमारी बर्थ कहाँ पर हुई, एवरी थिंग डैट इज नेचुरल और डैट इज फिक्स्ड, वो मास्टर आइडेंटिटी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई एथनीसिटी इज पाकिस्तानी, देन आई एम, माई कल्चर इज पंजाबी कल्चर, तो ये वो चीज़ें जो मैं चेंज नहीं कर सकती. सो दिस इज माई मास्टर आइडेंटिटी. मास्टर आइडेंटिटी में हमारे रिलीजन भी शामिल है. अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेक्शनल आइडेंटिटी. इंटरेक्शनल आइडेंटिटी हमारे पास वो आइडेंटिटीज हैं जो कि इंटरेक्शंस के थ्रू सामने आती हैं. जैसे कि कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पर्सन हु इज इंटरेक्टिंग विद सम अदर पीपल, देन द रिलेशन बिटवीन देम इज द इंटरेक्शनल वन. जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है कि जो इज माई नेक्स्ट डोर नेबर, डेविड्स ओल्डेस्ट चाइल्ड, ही वर्क्स फॉर ग्लास निकल पिज्जा, ही इज फ्रेंड विद हिज सिस्टर एरियल. तो ये सारी जो इंटरेक्शंस हैं, ये एक ही बंदे के बारे में है, जो है. तो इंटरेक्शनल आइडेंटिटीज आर द वन डैट आर स्पेसिफिक रोल्स डैट पीपल टेक ऑन इन इंटरेक्शन विद स्पेसिफिक अदर पीपल. नेक्स्ट वी हैव पर्सनल आइडेंटिटीज. पर्सनल आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो कि दीज आर वेरी पर्सनल. लाइक दीज आइडेंटिटीज शोज डैट हु आर यू, व्हाट मेक्स यू, आपकी क्या वैल्यूज हैं, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, योर बिहेवियर्स, योर ड्रीम्स, योर टैलेंट्स, योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एवरीथिंग डैट मेक्स यू पर्सनल इज योर पर्सनल आइडेंटिटी. और ये वो आइडेंटिटीज हैं जो कि स्टेबल होती हैं, यूनिक होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट शी इज एन ऑनेस्ट पर्सन,
अगर मैं कहूँ कि आई एम अ रीजनेबल पर्सन, तो ये है जो मेरी पर्सनल आइडेंटिटी को, मेरी पर्सनल पर्सनैलिटी को जो फोकस कर रही है, तो ये चीज़ है पर्सनल आइडेंटिटीज। पर्सनल आइडेंटिटीज कभी कभी कंटेस्टेड भी होती हैं, अपोज भी होती हैं। क्यों? जैसा कि इधर एग्जाम्पल दी हुई है, माई मदर सेज आई एम स्टबर्न बट आई डोंट थिंक सो। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर, यू कैन से समटाइम्स दीज आर फिक्स्ड एंड समटाइम्स दे आर स्टेबल। नेक्स्ट टाइप्स हमारे पास है रिलेशनल आइडेंटिटीज़ की। रिलेशनल आइडेंटिटीज़ अलग हैं इनसे, क्यों? क्योंकि रिलेशनल आइडेंटिटीज़ तब बनती हैं जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप बनाएं और इंटरेक्ट करें, तो दो पर्सन्स के दरमियान जो रिलेशनल एक क्या कहते हैं, एक रिलेशनल एक बॉन्ड होगा, एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप होगा एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, वो जो आइडेंटिटीज़ बनेंगी डैट विल बी रिलेशनल आइडेंटिटीज़। जैसे कि एक कोवर्कर का एक वर्कर के साथ रिलेशन हो, एक मैनेजर का सेल्समैन के साथ रिलेशनशिप हो, तो ये जितने भी रिलेशनल हमारे पास सोर्सेज होते हैं उनके थ्रू जो आइडेंटिटीज़ हमें मिलती हैं डैट आर रिलेशनल आइडेंटिटीज। सो दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज़। अब हम एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं कि व्हाट इज़ आइडेंटिटी। जोआना थॉर्नबोरो ने अपनी बुक में ये आइडेंटिटी की डेफिनेशन दी थी कि आइडेंटिटी बेशक इंडिविजुअल लेवल पर हो, सोशल लेवल पर हो या इंस्टीट्यूशन लेवल पर हो, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, खुद को बिल्ड करती है, डेवलप करती है। कैसे डेवलप करती है? जब हम अपनी ही लाइफ में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइडेंटिटी एंड लैंग्वेज। थैंक यू सो मच।